नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं जरूर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे और आगामी यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो उसका भरपूर तैयारी भी कर रहे होंगे आप साथी। इस प्लेलिस्ट में आ जाएंगे, प्लेलिस्ट में आएंगे तो यूपी टेट सी टेट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। यूपी टेट के सारे सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिए हैं, सी टेट के भी मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे नोटिफिकेशन आता है फिर हम एकजुटता से और बिल्कुल मतलब धैर्यपूर्वक पूरा का पूरा एक कंटिन्यू वे में क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल चिंता ना करें, बस यही हम कहेंगे साथ ही आप तक। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे हम उन विषय पर बात करने वाले हैं, जैसे कि जो प्रशिक्षु यह कह रहे हैं कि सर हमारा एक बार दो बार तीन बार बैक है, सर क्या हमें डीएलएड करना चाहिए, क्या सर हमारा सेमेस्टर बैक हो जाता है। देखिए साथी, आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं बैक के प्रोसेस के बारे में। आप ध्यान से सुनिएगा और बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहने तो जरूर आएंगे सर आप बैक के बारे में ही बोलते हैं। भाई बैक के बारे में ही इस वजह से बोलते हैं क्योंकि बैक के बारे में क्वेश्चन खड़े होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन क्यों खड़े ही होंगे जो बच्चे पास हो जाते हैं। तो हमें बैक के बारे में बोलना भी चाहिए और साथ ही आप लोग इसी वजह से यहाँ जुड़े हैं कि आपके जो डाउट है वो खत्म हो जाए, वो फिनिश हो, वो क्लियर हो, तभी तो आप जुड़े हैं यहाँ से। तो साथ ही हर प्रकार के डाउट चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे केबीएस हो, चाहे जिस भी विभाग से रिलेटेड हो, अगर आप अदर सेक्टर रेलवे वगैरह एसएससी वगैरह से भी रिलेटेड सारी चीज़ें पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात हम यह करेंगे, देखिए हमारे कहना हमें एक इसके बाद एक और वीडियो आएगा साथ ही, आप उसे जरूर देखिएगा रात तक के में, रात तक एक वीडियो आएगा 9 बजे तक, जिसमें कि हम आपको ये बताएंगे डीएलएड वाले के लिए और अपॉर्चुनिटी कितने हैं, वो क्या कर सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात है, देखिए मान लीजिए आपका एक बार जो हमारा एनसीईआरटी का है ना, एनसीईआरटी का एनसीईटी का जो हमारा गाइडलाइन है साथी, वो साफ साफ कहता है कि अगर पहले आप एक बार एडमिशन जब लेते हैं डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में, जब एडमिशन लेते हैं तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, मान लीजिए फर्स्ट में नहीं बैक लगता है, सेकंड में बैक लग जाता है, तो इस पर मत जाइएगा कि सेमेस्टर में बैक लग रहा है, बस इस पर जाइएगा कितनी बार आप बैक का पेपर दे रहे हैं। जैसे आपने एडमिशन लिया तो एक बार आपने पेपर दे दिया, उसके बाद दोबारा बैक, जब आपका एक बार बैक लगा तो एक बार आपने पेपर दे दिया, फिर बैक लगा तो एक बार और पेपर आपने दे दिया। अब यही गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि अगर तीन बार आप पेपर दे देते हैं किसी एक सब्जेक्ट का तो आपका सेमेस्टर बैक हो जाता है। यह साफ साफ बात है कि आप सेमेस्टर बैक के कैटेगरी में आ जाते हैं। और पीएनपी और एससीईआरटी, जो आपकी एससीईआरटी है लखनऊ की, वह साफ साफ कहती है कि ऐसे बच्चे साफ साफ सेमेस्टर बैक होते हैं और उनका सेमेस्टर बैक होने का यह मतलब नहीं होता है कि फिर से वह डीएलएड नहीं कर सकते, फिर से वह डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। अभी लीजिएगा मत और हम बताएंगे ले सकते हैं, अगर लेने के फायदे होंगे तभी तो लेंगे भाई, इस बात का आप फुल सबूत है साथी, क्योंकि आपका एक बार बैक लगा, आपने पेपर दिया एक बार बैक लगा, मतलब तीन बार अगर आप किसी सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में पेपर देते हैं, अगर आपका बैक लग जाता है, अगर तीन बार पेपर दे चुके होते हैं तो आपका जो अटेम्प्ट होता है फिनिश हो जाता है, फिर उसके बाद आपको सेमेस्टर बैक के कैटेगरी में माना जाता है। अब याद रखना साथी, हमारे यहाँ प्रावधान है कि दो बार सेमेस्टर बैक वाले बच्चे डीएलएड कभी नहीं कर सकते, लेकिन एक बार सेमेस्टर बैक वाले बच्चे डीएलएड कर सकते हैं। इनके लिए हम चांस बताते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। एक बार डीएलएड बैक वाले बच्चे सेमेस्टर मतलब एक तरह से वह डीएलएड कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों से कल हमने बात भी किया ग्रुप में भी, और बहुत सारे दो तीन बच्चों का कॉल भी आया, उस पर हमने बात किया, वो खुद बोले सर हमारा एक बार बैक है, मतलब एक सब्जेक्ट में दो बार बैक है सर, एक बार फ्रेश दिए थे यानी तीन बार पेपर दे चुके हैं सर, क्या डीएलएड कर सकते हैं वापस से। हमने बोला हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमने उनको एक सुझाव दिया, उस सुझाव को आपको भी बताएंगे, आप अंत तक बने रहिएगा साथी। तो हमने कहा भाई आप कर सकते हैं डीएलएड, तो फिर एक कैटेगरी और यहाँ पे क्रिएट हो जाती है जिनका दो बार सेमेस्टर बैक है। तो ऐसे भी प्रशिक्षु पूछेंगे सर हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए कोई प्रावधान ही नहीं है साथी, यहाँ तक आप डीएलएड भी कभी नहीं कर सकते, उस सेमेस्टर को क्लियर करना तो बेकार है, आप डीएलएड ही कभी नहीं कर सकते। आपको बीएड या फिर आप कोई पोस्ट ग्रेजुएशन लेकर आप पीजीटी वगैरह देखिए, इस पे आपका ज़्यादा रुझान होना चाहिए साथी। और रह गई बात इन बच्चों की, देखिए साथी हमारे यहाँ जो पीएनपी है एससीईआरटी है वो साफ साफ कहती है ऐसे बच्चों को हम पेपर नहीं दिलाएंगे, लेकिन हमारे सारे बच्चों का अगर एक सेमेस्टर में किसी भी सारे पूरे चारों सेमेस्टर मिलाकर किसी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में बैक आता है तो इस पे जो हमारी एससीईआरटी के जो डायरेक्टर सर हैं साथी उनका साफ साफ कहना होता है, हम उनको एक मौका देते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक तरह से वह एक तरह से कह लीजिए 20-20 है, मतलब 50-50 कह लीजिए। जैसे आपने प्रत्यावेदन दिया तो यस फिक्स नहीं है कि आपका पेपर हो ही जाएगा, मतलब कि इस बार देखा जाए पिछली बार की अपेक्षा इस बार बहुत ज़्यादा बच्चों का प्रत्यावेदन वाले बच्चों का, लगभग 2000 बच्चों का पेपर हुआ था 8000 में से, पिछली बार तो 43 या 44 लोग का ही हुआ था, लेकिन इस बार 2-3 हज़ार बच्चों का, 2000 बच्चों का आंकड़ा सही नहीं है, इतना तक ना लगभग 2000 बच्चे हैं तो इनका पेपर हुआ था। अब इस बार हो सकता है ज़्यादा बच्चों का हो, क्योंकि पिछली बार से बढ़ा है, हो सकता है इस बार बढ़ भी सकता है, हम ये नहीं कहते बढ़ेगा ही,
घट भी सकता है भाई। इस चीज़ को हम यहाँ पर कोई मतलब कि इस चीज़ को फोकस करके नहीं बोल रहे कि आपका हो ही जाएगा 2000 से बच्चों से ज़्यादा, हम इस बात को नहीं बोल रहे, नहीं तो बाद में आप लोग बोले कि सर आपने ऐसा कहा था ऐसा हो गया। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को प्रावधान को माना करें और जो चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं आपके लिए सत्य के लिए बताई जाती हैं। तो ऐसे बच्चों का एक प्रावधान हमारा SCERT देता है कि भैया एक बार इनको मौका दिया जाए, एक बार मौका दिया जाए। अब बच्चे उसके लिए प्रत्यावेदन देते हैं, अपना प्रत्यावेदन के साथ बच्चे एप्लीकेशन लिखते हैं, सर हमको एक बार मौका दिया जाए, सर एक सेमेस्टर हम बैक है किसी कारणवश, हमारा जब क्लियर हो जाएगा तो कम से कम 2-3 साल की जो इधर हमने व्यय किया है अपना, वह नुकसान न होगा और आगामी हम UPTET CTET दे चुके हैं, हमारा क्लियर हो चुका है, अब हम भर्ती की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की प्राथमिक की। तो भैया वो आराम से एक मौका दे देते हैं और सारे बच्चों को नहीं, कुछ बच्चों को देते हैं, कुछ बच्चों को टाल देते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। तो उन्होंने वो मना नहीं करते कि नहीं देंगे, वो टालते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, मतलब इस बार भी आपको मौका मिलेगा या तो निश्चित है मिलेगा, लेकिन आप प्रतिबद्ध मत होइएगा या फिर यह मत सोच लीजिएगा कि इसी बार आपको मिल ही जाएगा। अब ऐसी बात नहीं भाई, क्योंकि हमने बता दिया इस बार भी बहुत भारी भरकम में जैसे रिजल्ट आएगा वैसे बच्चे प्रत्यावेदन देने जाएंगे। अब प्रत्यावेदन देने जाएंगे तो उनका कुछ का जमा होगा, सारे का जमा होगा लेकिन आएगा कुछ ही लोग का एडमिट कार्ड, इस बार भी यही हाल होने वाला है। तो फिर बच्चे बचेंगे, फिर वह बच्चे हो सकता है आप इस बार आपका नहीं आया, अगली बार भी नहीं आया था। तो आप DLED कर रहे हो भैया 3-4-5 साल आपका नुकसान हो रहा है। अब आप कह रहे हो भैया DLED छोड़ दे सर जी, क्या हम DLED छोड़ के सर हम फिर से DLED कर लें इस प्रोसेस को? बच्चा आप देखिएगा, आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंचे हैं, आप 2-3 साल गंवा बैठे हैं, 2-4 साल गंवा बैठे हैं प्रत्यावेदन के भरोसे कि हमारा DLED क्लियर होगा। और रहेगी बात यूपी की, यूपी एक ऐसा राज्य है साथी शिक्षक भर्ती के लिए, आप देख ही रहे हैं लगभग 4-5 साल में एक बार शिक्षक भर्ती आती है, 5 साल मान लीजिए, अब तो 6 साल भी लग जाएगा, तो 5-6 साल में एक बार शिक्षक भर्ती आती है। उसमें इतने बच्चे होते हैं कि बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, वो अभी फिक्स नहीं है कि आप बहुत ही बेहतरीन होंगे तब जाके उसमें से छटेंगे, तब जाके आप जाके नौकरी पाएंगे। तो इस बात को याद रखना साथी, जो बच्चे दोबारा DLED करने जा रहे हैं हम उनको साफ साफ यही मना करेंगे कि आप दोबारा DLED मत करिए बच्चा, क्योंकि यह भी तो श्योर नहीं हो, यह भी तो आप श्योर नहीं है कि आपका इस बार DLED क्लियर हो जाएगा। पिछली बार तो आप श्योर थे हो जाएगा लेकिन फिर से बैक लगा, अगर इस बार भी सियोरिटी के साथ सोचोगे बहुत मेहनत करके इस बार देंगे DLED हमको करना है किसी भी सूरत में बच्चा, तो 3 साल अगर फिर से आप गंवाना चाहते हो, अगर बैक आ गया खुदा न खासा फिर से तो अटकेंगे, फिर से 3 साल उधर गया, फिर UPTET CTET 2 साल उधर गया, फिर शिक्षक भर्ती मतलब 6-7 साल अपना फिर से खराब करने के लिए तैयार रहें। हम तो यही कहते हैं बच्चा DLED छोड़ दो, खुलेआम कहते हैं, अब इस बात को यही हम आपके मतलब भविष्य के लिए कहते हैं, हम संस्था को देख के नहीं कहते हैं, संस्था को तो पैसे लेने हैं, संस्था तो लेगी ही एडमिशन, लेकिन आप देखिएगा इस बार 2 लाख सीट है ना, 2 लाख सीट है, इस बार कितने बच्चे आएंगे इसमें, इस बार तो कम हुआ था ना, इस बार भी 2021 सेशन में कम हुआ था बच्चों की संख्या ना, इस बार और कम होगा इसका लिखित प्रमाण है, इसका लिखित प्रमाण है साथी, ये देख लीजिएगा पिछली बार की अपेक्षा, पिछली बार के कंपेयर में इस बार भी कम होंगे बच्चे, BEd बच्चों की संख्या बढ़ेगी। बच्चों आपको करना ही है तो आप BEd कर लीजिए, जिससे कि आपका जो साथी आगे का भविष्य थोड़ा सा सिक्योर हो सके। हम ये नहीं कहते कि BEd के बाद आप नौकरी पा ही जाओगे, लेकिन यह है कि आपका टाइम नहीं बर्बाद होगा, और BEd में जो बैक आता है DLED में क्यों ज़्यादा बैक आता है इसके लिए भी थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। जैसे कि DLED में साथी 25 नंबर के पेपर होते हैं, 50 नंबर के पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं, अब इसमें लिखित पेपर भी होता है और बहुविकल्पी भी होता है, बहुविकल्पी आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो जय सियाराम। और जो हमारा यह होता है साथी DLED, इसमें ज़्यादा नंबर भी उठते हैं और ज़्यादा बैक भी लगता है, क्योंकि इसमें एक्यूरेट क्वेश्चन के आंसर चाहिए उसको जो एग्जामिनर होता है, अगर सही है तो सही है, नहीं सही है तो जाओ काटेगा, या फिर 0 पाओगे या फिर पूरा पाओगे, पूरा पाने वाला बच्चा टॉप करता है, 0 पाने वाला बच्चा फेल हो जाता है, बैक लग जाता है। तो यही कारण है कि इसमें बैक भी ज़्यादा लगते हैं DLED में और अच्छे नंबर भी उठते हैं, लेकिन BEd में ऐसा नहीं है, एवरेज बच्चा मिलता है, अगर हमारी तरह अपनी बात करें तो 78-76% वाला ऐसी बच्चा एवरेज बच्चा मिलता है, उसमें बहुत ज़्यादा टॉपर भी नहीं होता कि 96-95, भाई हमारे 2 मित्र हैं DLED में जो कि 98% पाए हैं, आप खुद सोच सकते हो नॉर्मल बच्चा है और एवरेज है एक, लेकिन 98% पाए हैं, इसका मतलब उनका मेरिट समझ रहे हो आप कितना ज़्यादा जाएगा। तो बस यही है, जिसको लिखने का तरीका पता है, जो बिल्कुल फोकस करके पढ़ लेता है, जिसको जिद होती है कि DLED हमको पढ़ना है निकालना है, बिल्कुल फोकस होकर बच्चा वही करता है, एक तरह से IAS की नौकरी हो गई है। तो आप ठान सकते हो DLED करना है कि नहीं करना है, DLED नहीं करना है तो फिर क्या करना है बच्चा, आगे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटियाँ हैं। अब इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो आपको मिलेगा, उसमें आप जरूर देखिएगा, आज ही आएगा। तो आप शेयर करिएगा बच्चों, अब DLED करना है या नहीं करना है बच्चों आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ऐसे बच्चे जिनका 3 बार बैक है और 2 बार से उनका प्रत्यावेदन जमा हो रहा है, उनका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, तो आप लोग अपना टाइम तो बर्बाद ही कर रहे हो, समझ रहे हो बच्चा, इस बार भी टाइम बर्बाद करोगे, और अगर ना आया कोई श्योर थोड़े कि आपका आ ही जाएगा अगर इस बार आप प्रत्यावेदन देते हैं रिजल्ट के बाद। तो
रिजल्ट लास्ट जुलाई तक आने की पूरी संभावनाएं हैं। और अब आप देख लीजिए आपको क्या करने क्या नहीं करने, हमको जो बताना था हमारे फैमिली और बच्चा तो हमने आपको बता दिया सारी चीज़ें। और रह गई बात डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की क्लास के लिए, तो उसके लिए मैथ हमने खत्म कर दिया है, प्ले लिस्ट में है, एसएसटी भी चल रहा है, लगभग खत्म ही हो गया है, आप देख लीजिए। और सारे सेमेस्टर डीएलएड के सारे सेमेस्टर की क्लास हमने फिनिश किए हैं, आप आइए प्ले लिस्ट में देखिए। बैक लग जाए तो मैथ में तो कहिएगा साथी, बस जिस हिसाब से हमने पढ़ाया है उस हिसाब से पढ़ डालिए, चाहे आपका चाहे जो गाइड हो, चाहे आपका राजा सीरीज हो, चाहे पवन सीरीज हो, चाहे आपका मैथ हो, मैथ का बुक सब हमने फिनिश किया है। यूपी टेट सीटेट के सारे क्लास खत्म है, आप आकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए। धन्यवाद।